हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। तो ये लेक्चर नंबर 38 है, इसमें थोड़ा टाइप्स ऑफ सरफेस माइनिंग को डिस्कस करेंगे। सरफेस माइनिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है एल्यूवियल माइनिंग और दूसरा है ओपन कास्ट माइनिंग। एल्यूवियल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कुछ डेट्रिटल मटेरियल में पाए जाते हैं, जैसे कि सैंड है, ग्रेवल है, कोई नदी की स्ट्रीम में या पहाड़ पर से बहकर जो डिपॉजिट्स आते हैं या अपने सोर्स से बहकर आते हैं, और जहां पर भी नदी मियांडर करती है, जहां अपनी वेलोसिटी कम रखती है, उस जगह पर जाकर के वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वो एल्यूवियल माइनिंग करके, यानी कि वो जो डिट्रिटल मटेरियल, सैंडी मटेरियल है, लूज मटेरियल है, उसमें से जब हम मिनरल को निकालते हैं अपने काम का, दैट इज कॉल्ड एल्यूवियल माइनिंग। और ओपन कास्ट माइनिंग को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। कुछ टर्म्स को समझना होगा। बेडरॉक क्या होती है? बेडरॉक वो रॉक होती है जो ऊपर के सॉइल या ग्रेवल या लूज बोल्डर्स या मुरुम या जो भी वेदर्ड पोर्शन रॉक का होता है, उसके नीचे पाई जाने वाली सॉलिड रॉक, जो बेसिक रॉक वहां की होती है, उसे बेडरॉक कहते हैं। कुछ डिपॉजिट्स डिसिमिनेटेड किस्म के होते हैं, इनके ग्रेन्स उस पूरे होस्ट रॉक के अंदर या उस ओर बॉडी के अंदर छितराए हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। पॉर्फिरी कॉपर डिपॉजिट इसी किस्म का एक डिसिमिनेटेड ओर डिपॉजिट होता है। प्लेसर डिपॉजिट एक एल्यूवियल डिपॉजिट को ही कहते हैं, जो मैंने जैसे पहले बताया कि लूज मिट्टी में या सैंड में या ग्रेवल में ये पाया जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट दैट कंटेन्स जेमस्टोन्स, गोल्ड पार्टिकल्स और अदर हेवी मिनरल्स ऑफ वैल्यू। प्लेसर गोल्ड उसी को बोलते हैं जो प्लेसर डिपॉजिट में पाया जाने वाला गोल्ड, लूज सैंड के अंदर या ग्रेवल के अंदर। तो सबसे पहले एल्यूवियल माइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ड्रेजिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। यहां पर आप देख लीजिए कि ये एक वाटर सरफेस है और वाटर के नीचे अगर कोई डिपॉजिट है, जो एल्यूवियल डिपॉजिट है, जो नदी के साथ उसके पानी में बह के आया है और नीचे जो सैंड है उसके अंदर समाया हुआ है, तो उसे इस प्रकार के ड्रेजेस से, जिसमें बकेट्स लगी हुई है और ये बकेट्स ऐसी कंटिन्यूसली रहट के समान चलती है, और उन बकेट्स में वो डिपॉजिट्स हम ऊपर खींच के ले आते हैं। इस मशीन को ड्रेज कहते हैं, ड्रेजिंग करते हैं इस प्रकार से। दूसरा ये है, अगर सरफेस पर ही मिल रहा है, पानी के नीचे नहीं मिल रहा है, तो हम पैनिंग के तरीके से, पैन यानी एक तश्तरी होती है लोहे की, जिसके अंदर वहाँ की मिट्टी ली जाती है, उसे हिलाकर पानी के अंदर बार बार, उसमें जो डिफरेंशियल उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसके आधार पर अपने काम का मिनरल या अपने काम की वस्तु, जैसे कि डायमंड के पार्टिकल्स है या जेमस्टोन्स के पार्टिकल्स है या गोल्ड के पार्टिकल्स है, दैट कैन बी रिमूव्ड। फिर एक स्लुइसिंग मेथड भी है। स्लुइस यानी ये एक प्रकार का ऐसा लकड़ी का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म सा है, जिसके ऊपर से उस पानी को गुजरा जाता है जिसके अंदर मिनरल है, जिस जो जो कीचड़ या जो सैंडी वाटर रहेगा वो इस पर से गुजारा जाएगा, और यहाँ पर वो रिफल्स बने हुए हैं स्लुइस के अंदर, उन रिफल्स में वो इकट्ठा हो जाता है जो हमारे काम का मिनरल है, क्योंकि जनरली हमारे काम का मिनरल हेवी होता है और वो इन रिफल्स में इकट्ठा होते जाता है। तो वाटर इसके ऊपर से फ्लो किया जाता है जिसके अंदर सैंडी मटेरियल भी हो और जिसमें हमारे इंटरेस्ट का मिनरल भी मौजूद हो। तो ये दो तीन तरीके से हम एल्यूवियल माइनिंग करते हैं, और उसके बाद जो शुरू होती है उसे हम कह सकते हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में दो प्राइमरी मेथड्स है, एक है साइक्लिक माइनिंग ऑपरेशन, दूसरा है कंटिन्यूअस माइनिंग ऑपरेशन। कंटिन्यूअस माइनिंग ऑपरेशन वो होता है जहां पर
कोई कंटिन्यूस माइनर या बकेट व्हील एक्सकैवेटर जैसा कोई मशीन लगाई जाती है और वो सॉफ्ट फॉर्मेशन में कटिंग करते जाती है और वो अपने बेल्ट पर चेन कन्वेयर के माध्यम से उसको किसी दूसरी जगह कन्वे कर देती है, चाहे वो किसी ट्रक में कर दे या किसी स्टैक पर कर दे, किसी डंपिंग की जगह पे कर दे। लेकिन इसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का ऑपरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस माइनिंग ऑपरेशन। दूसरी ओर एक ऑपरेशन है साइक्लिक माइनिंग ऑपरेशन। साइक्लिक यानी ये एक साइकिल में काम करता है, एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन होता है, फिर तीसरा ऑपरेशन होता है, इस प्रकार से ये सिलसिले में एक क्रम में ये ऑपरेशन होते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि सरफेशियल अगर कहीं पर कोई फॉर्मेशन है, वेदर्ड फॉर्मेशन है, लूज फॉर्मेशन है, तो इस प्रकार से रिपिंग करके और डोजिंग करके उसे साफ किया जा सकता है, एक तरफ किया जा सकता है। लेकिन जहां बेडरॉक इनकाउंटर हो गई, जहां पर इनसे काम नहीं बन सकता है, वहां पर हमारे पास एक ही जरिया है कि बेंचेस फॉर्म करके उन बेंच पर ड्रिलिंग करना। जाहिर है ड्रिलिंग करने में कुछ समय लगेगा, तो ड्रिलिंग होने के बाद सफिशियंट नंबर ऑफ होल्स जब हम ड्रिल कर लेते हैं तो हमारा एक माइन के प्रोडक्शन के हिसाब से एक व्यवस्था होती है कि हम कितने होल्स को एट ए टाइम ब्लास्ट करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, क्या हम डिले इंटरवल रखेंगे, नहीं करेंगे डिले किसी ब्लास्टिंग, वो सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ड्रिलिंग होने के बाद दैट बेंच इज रेडी फॉर ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग करने के लिए ड्रिलिंग होने के बाद हम उसको एक्सप्लोसिव से लोड कर देंगे, वो सारे होल्स में एक्सप्लोसिव डाल देंगे और फिर प्रॉपरली जो कनेक्शंस वगैरह करके उसको ब्लास्ट कर देंगे। ब्लास्ट करने से वो मटेरियल डिसलॉज हो जाएगा, क्योंकि इसे कंटिन्यूस माइनर से निकालना संभव नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक ही जरिया है ब्लास्टिंग करना। जब हम ब्लास्ट कर देते हैं वो बेंच को, तो वहां पर फिर दूसरा ऑपरेशन आता है लोडिंग का या एक्सकैवेशन का। ये लोडर या एक्सकैवेटर कोई शॉवेल हो सकता है, कोई और मशीन हो सकती है, सिंपल लोडर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ये मशीन से ये सारा मटेरियल उठाया जाता है और वो किसी ना किसी वाहन में, जैसे कि ट्रक है या डंपर है, उसे डाला जाता है उसके अंदर, और ये लोडिंग ऑपरेशन कहलाता है। और उसके बाद में ये जो डंपर या कोई भी ट्रांसपोर्ट का इक्विपमेंट है, वो हॉलिंग करके इस मटेरियल को बाहर ले आता है। हमें इस ढंग से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करनी ज़रूरी होती है कि हम जहाँ तक हो सके जो डिमांड है इंडस्ट्री की, उस प्रकार का साइज उसको दे सके, ताकि हमारे क्रशिंग पर लोड कम आए। सो दिस इज अ साइक्लिक ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ टुकड़े टुकड़ों में वो ऑपरेशन हो रहा है, इट इज नॉट ए काइंड ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन, तो इसलिए इसको साइक्लिक ऑपरेशन कहते हैं। यहां पर आप देख लीजिए कि एक बेंच का सेक्शन दिखाया गया है एक माइन का, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ड्रिल होल लगे हुए हैं, कुछ होल्स ब्लास्ट किए गए हैं, यहां पर एक एक्सकैवेटर शॉवेल या बैक ड्रैगलाइन जैसा एक्सकैवेटर, जैसे कि इस तस्वीर में दिख रहा है, तो ये यहाँ उठाएगा और मटेरियल को इस प्रकार से ट्रक के अंदर या डंपर्स के अंदर लोड करेगा, और ये लोडेड डंपर्स इस प्रकार बाहर जाएंगे जहाँ इसको ले जाना हो क्रशर की तरफ। जनरली जो भी मटेरियल नीचे से आता है वो अमूमन क्रशर में जाता ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल्डर के साइज होते हैं वो कुछ भी रह सकता है, इवन अप टू 1 मीटर साइज ऑफ बोल्डर कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही फ्रेगमेंटेशन जैसा चाहिए उतना तो ब्लास्टिंग में संभव नहीं है। तो इन बोल्डर्स को या इस पूरे मटेरियल को क्रशर में ले जाकर क्रश करके रिक्वायर्ड साइज जो मार्केट में चाहिए या मिल को चाहिए वहाँ तक उसको लाना ही होता है। यहाँ पर भी एक फेस ब्लास्ट हुआ है ये, और यहाँ पर भी कुछ मशीनें लगी हुई है, यहाँ पर एक ड्रैगलाइन जैसी मशीन या इसमें क्रेन जैसी मशीन लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं। ये देखिए ये होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर ड्रिल किए हुए, और ये नीचे कोल बेड दिख रही है, जाहिर है ये सारा ऊपर का जो मटेरियल है दैट इज ओवरबर्डन।
इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक खदान के अंदर ये सारे बेंचेस बनी है, ये बेंच फ्लोर्स है और ये रोड दिखाए गए, हॉल रोड। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि नंबर वन जो दिखाया ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये ड्रिलिंग चल रही है, ये ड्रिलिंग मशीन है। दूसरा है चार्जिंग और ब्लास्टिंग, यहाँ पर चार्जिंग का ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ ब्लास्ट हो गया है और ब्लास्ट होने के बाद में यहाँ लोडिंग चल रही है, यानी ब्लास्टेड मटेरियल को उठाया जा रहा है और किसी डंपर में डाला जा रहा है। और हॉलिंग यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन, टू हॉल मीन्स टू ट्रांसपोर्ट। तो ये हॉलेज इस प्रकार से जो रैंप या हॉल रोड्स है उससे ये मटेरियल पूरा बाहर आ रहा है और उसके बाद में ये क्रशिंग में यहाँ जा रहा है। क्रश होने के बाद वो मटेरियल या तो डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन वगैरह में होता है, या फिर वो मटेरियल फर्दर ग्राइंडिंग और फर्दर क्रशिंग या ग्राइंडिंग के लिए जाता है। उसके बाद में वो मिल में जाता है जहाँ उसका बेनिफिशिएशन होता है और फिर उसके आगे स्मेल्टिंग वगैरह हो सकती है। तो इस प्रकार से एक सिंपल साइकिल इसमें दिखाया गया है इस तस्वीर में, और यही चीज माइनिंग के अंदर, ओपन कास्ट माइन में इसी प्रकार से साइक्लिक ढंग से चलती है। कई बार ये होता है कि कहीं नक्सल्स का थ्रेट होता है, पेफरेज ऑफ एक्सप्लोजिव का धोखा होता है, और कई बार ये होता है कि कोई सेंसिटिव ऑब्जेक्ट या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट नियर बाय एरिया में हो। ऐसी स्थिति में ब्लास्टिंग करना मुनासिब नहीं होता या ब्लास्टिंग की मनाही होती है। तो ऐसी सूरत में कुछ केमिकल्स है जिन्हें इन ड्रिल होल्स के अंदर पोर कर दिया जाता है और पानी उसमें डाल दिया जाता है और ओवरनाइट उस केमिकल को उस होल में छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद वो केमिकल स्वेल होते हैं, फूल जाते हैं, और उनके फूलने की वजह से बहुत ही खामोशी से वो रॉक टूटकर टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है। तो वो एक प्रकार से डिसलॉज हो जाता है मटेरियल। फिर उसके बाद में उसको एक्सकावेटर से एक्सकावेट करके किसी ट्रक से या डंपर से को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये भी तरीका है, बट इट्स वेरी कॉस्टली प्रपोजिशन, ये बहुत महंगा तरीका है नॉर्मल एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग से। तो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ये फर्स्ट या प्राइमरी साइक्लिक ऑपरेशंस है। ओवरबर्डन अगर हार्ड है तो ओवरबर्डन में भी हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करनी होगी, और कोल में या दूसरे डिपॉजिट जो भी है उसमें तो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हमको आवश्यक होती ही है। कुछ हम बात करेंगे कि ड्रिलिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं या ड्रिल ज्योमेट्री क्या होते हैं या ड्रिल पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ ओवरबर्डन हो या ओर हो, इनके लिए हम सेपरेटली ये तय करते हैं कि व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ होल, होल का डायमीटर क्या होगा, होल की डेप्थ क्या होगी। सबग्रेड ड्रिलिंग यानी कि होल की डेप्थ और जो बेंच की हाइट है उसमें कितना डिफरेंस रहेगा। जनरली जो होल की डेप्थ होती है वो बेंच की हाइट से ज़्यादा होती है, और ताकि टो प्रॉब्लम ना रहे उस पोर्शन को जो एक्स्ट्रा ड्रिलिंग की जाती है उसको सबग्रेड ड्रिलिंग कहते हैं। क्या होल एकदम वर्टिकल होंगे या इंक्लाइंड होंगे, तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। स्पेसिंग क्या रखी जाएगी दो होल्स के बीच में। बर्डन क्या होगा यानी कि होल का फ्री फेस से डिस्टेंस क्या होगा, नियरेस्ट फ्री फेस से कितनी नंबर ऑफ रोज लगेगी। ड्रिलिंग का पैटर्न कैसा होगा, क्या होल जो नंबर ऑफ रोज में लग रहे हैं वो स्क्वायर पैटर्न में होंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न में होंगे या स्टैगर्ड पैटर्न में होंगे। ये सारी जो जानकारी है ये हम ड्रिल ज्योमेट्री इसको कहते हैं और इसको ड्रिलिंग पैरामीटर भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन सी मशीनरी है, हमारे पास में जो रॉक उपलब्ध है जो जिसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करनी है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहते हैं कि किस प्रकार से हमको इन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि वी कैन गेट गुड क्वालिटी फ्रेगमेंटेशन और हमारी एफिशिएंट ब्लास्टिंग हो, सस्ती ब्लास्टिंग हो। ये देखिए, ये एक ड्रिल मशीन की तस्वीर है। कई किस्म की ड्रिल मशीन्स होती है, ये एक ड्रिल मशीन की फोटो यहाँ दिखाई गई है, ये रोटरी ड्रिल है। यहाँ देखिए ये तमाम होल्स यहाँ लगे हुए, ये ड्रिल मशीन है, ऊपर से टॉप व्यू दिखाया गया है और जहाँ जहाँ होल हुए उसके बगल में ये कटिंग्स जमा हो गई है।
इन कटिंग्स के एनालिसिस करके होल जिस एरिया में या जिस जगह पे ड्रिल किया गया है वहाँ का क्या ग्रेड होगा ये पता पड़ता है। तो इसमें ग्रेड कंट्रोल भी हमारा हो जाता है, रिक्वायर्ड ग्रेड की जगह पे हम ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और ये जो ड्रिल कटिंग्स है, दीज ड्रिल कटिंग्स कैन ऑल्सो भी यूज एज फॉर यूज एज स्टेमिंग मटेरियल। ये बहुत अच्छा स्टेमिंग का काम भी करता है होल के अंदर। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में मैनुअल माइन अगर है तो जैक हैमर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 33 mm का होल जनरली होता है। जैक हैमर में कई बार ये भी होता है कि इवन अप टू 3 meters वी कैन ड्रिल द होल्स। इसमें एक्सटेंशन रॉड्स लगानी होती है और जो पहली रॉड लगती है उसका डायमीटर जरूर 33 mm से ज़्यादा रहेगा या 38 mm के आसपास होता है। उसके बाद में उसको थ्रेडिंग करके कपलिंग के साथ थ्रेडिंग करके दूसरी रॉड जुड़ी जाती है और इस प्रकार से छोटे छोटे, फिर अगला डायमीटर थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसा करके हम होल लगा सकते हैं 3 meters तक। लेकिन जनरली ये प्रैक्टिस आजकल ऑब्सोलीट हो गई है, इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड में भी और ओपन कास्ट में भी जैक हैमर ड्रिलिंग होता है जहां मैनुअल माइनिंग होती है। जबकि लार्ज डाया होल्स 100 से 250 mm की साइज के अमूमन हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। कई बार इससे ज़्यादा डायमीटर के होल भी इस्तेमाल होते हैं अगर वैसी रिक्वायरमेंट है। कुछ मरतबा हमको इंक्लाइन ड्रिलिंग भी करनी पड़ सकती है टू अवॉइड दी टो प्रॉब्लम्स। बर्डन उसे कहते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री फेस होता है पहली लाइन का होल का, वो अक्सर 40 times द डायमीटर ऑफ होल रखा जाता है। ये एक बहुत ही थंब रूल वाली बात है, हर जगह का थोड़ा अलग अलग हो सकता है। स्पेसिंग ये 1.2 टू 1.6 टाइम्स बर्डन के रखी जाती है और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ब्लास्ट जो है ये इस पर डिपेंड करता है कि रॉक की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एक्सप्लोसिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाउ स्ट्रांग इज योर एक्सप्लोसिव, इनिशिएशन का मेथड क्या है, किस प्रकार से आप इनिशिएट कर रहे हो ब्लास्ट को, ड्रिल होल के क्या पैरामीटर है सर और उनके क्या लेआउट्स है। ब्लास्टेड मटेरियल जो है उसको लोडिंग करने के लिए हम डीजल या हाइड्रोलिक पावर के शॉवेल को इस्तेमाल करते हैं। उस शॉवेल से डंपर में, मैचिंग कैपेसिटी के डंपर्स में डाला जाता है, चाहे वो हाइड्रोलिक शॉवेल हो या डीजल रोप शॉवेल हो, जिस किस्म का भी शॉवेल हो या डंपर्स हो, ये तमाम मशीनरी बहुत कॉस्टली होती है एंड सो आर योर ड्रिल्स ऑल्सो। तो हमें उनका बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आइडल आर्स बढ़े नहीं, उनका समुचित इस्तेमाल हो सके मशीनों का, और ये नहीं हो कि मशीनें खाली बैठी रहे, डंपर्स आपके शॉवेल का इंतजार कर रहा है या शॉवेल डंपर का इंतजार कर रहा है, दैट कंडीशन शुड नॉट अराइज। जो डंपर होता है वो अमूमन 4 से 5 passes में शॉवेल के भर जाना चाहिए, ऐसा एक थंब रूल माना जाता है। और लीड डिस्टेंस जो हो वो भी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि साइक्लिक ढंग से डंपर्स जो है वो शॉवेल के लिए उपलब्ध हो सके। तो शॉवेल का जो बकेट का जो साइज है वो ये ध्यान में रखा जाता है कि जो क्रशर का फीड साइज है, क्रशर के जहाँ से हम मटेरियल को फीड करते हैं उससे छोटा होना चाहिए, और ताकि हम बड़े साइज का बुल्डर क्रशर में न भेजें, वरना हमें क्रशर एंड पर भी कई बार उसको तोड़ना पड़ सकता है, सेकेंडरी ब्लास्टिंग करनी पड़ सकती है या वहां पर रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इन प्राइमरी मशीनरी के अलावा रिपर, डोजर, पे लोडर्स, स्प्रिंकलर, ग्रेडर्स, एक्सप्लोसिव वैन, ये सारी एंसिलियरी इक्विपमेंट है, ये ओपन कास्ट माइनिंग में काम में आती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक इंट्रो टाइप का इसका दिया है। और ये जो ब्लास्ट होल्स हम ड्रिल करते हैं, ये जनरली जो भी मशीन होती है वो सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, यानी खुद ब खुद उसमें आगे बढ़ने की व्यवस्था होती है। वो ट्रैक माउंटेड हो सकती है, यानी कि कैटरपिलर माउंटेड हो सकती है, और न्यूमेटिक भी हो सकती है, वो रोटरी ड्रिल हो सकता है या परक्यूसिव ड्रिल हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका। ये बल्क एक्सप्लोसिव हम होल्स में लोड करके उसे ब्लास्ट करते हैं, और ड्रिल होल को जैसे मैंने बताया उसको सैम्पलिंग की जाती है,
so that you can control the parameters of required quality, और आप उस प्रकार से graded, जिस प्रकार का ग्रेड चाहिए आपको मटेरियल का, तो उस प्रकार से उस फेस को ब्लास्ट करके उस टाइप का मटेरियल आप निकाल सकते हैं. एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू ओपन कास्ट माइनिंग इन लेक्चर नंबर 39 एज वेल. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज सपोर्ट दिस. थैंक यू वेरी मच.